अच्छा, मैंने पूछना था कि कोई तीन चार चीजें जो हम एक पूरा प्लान तो बना रहे हैं किसानों के लिए, मदद करने के लिए, तो आप कोई ऐसी मुझे चीजें बताएं जो आप समझते हैं पांच छह बड़ी जरूरी जी चीजें। सर जी, जी गुजारिश है खान साहब के, हमारा इलाका जो है ना वो अपर पंजाब जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पंजाब के चार फसलें उनकी हैं, जैसे गन्ना है, कपास है और गंदम वगैरह भी है, यार वो चार चीज़ें हैं, तो उनके ज़्यादा वाफर मकदार में उनके पास है, तो उनके तो बिक जाती है, तो वो किसान तो खुशहाल है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना सर, इतनी क्वांटिटी नहीं है हमारे पास, यानी कि हमारे पास बड़े किसान के पास अगर कुछ थोड़ा सा गंदम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, उसके अलावा तो हमारे पास गन्ना भी नहीं और कपास भी नहीं है। ठीक। सिर्फ अच्छा, सिर्फ गंदम है यानी कि। हाँ, उसके अलावा सर हमारे पास जो है ना सब्जियां वगैरह बहुत हैं, यानी हर किस्म की सब्जी है। हाँ, तो उसके लिए सर हमारे जरूरत सोलर की है सर, कि पेट्रोल अगर मैं सर जी, मैंने मिसाल के तौर पर मैंने 2 एकड़ जमीन काशी है गोभी, फूल गोभी, तो सर अगर मैं 5 रुपए किलो बेच रहा हूँ, मुझसे कोई खरीद नहीं रहा है इस वक्त, अभी आज की बात कर रहा हूँ सर। कीमतें नीचे आई हुई बहुत नीचे बहुत नीचे है। और टमाटर सर तकरीबन यानी के 150 रुपए के 5 किलो, यानी 120 रुपए के 5 किलो, इस तरह इस हिसाब से मिल रहे हैं सर। तो उस वो लोगों के लिए जिनके लिए जो शहर में रह रहे हैं या जो खरीद रहे हैं, उनके लिए तो आसानी है सर, लेकिन जिम्मेदार के लिए ना बहुत मुश्किल है सर। दूसरी सर, अगर मैं 1 एकड़ जमीन सैराब करना चाहता हूँ, एक आपका हो गया कि अगर सोलर ट्यूबवेल हो तो आपका खर्चा नीचे आ जाएगा। उसके लिए सर जी, 1 एकड़ जमीन अगर मैं सैराब करता हूँ सर, तो मुझे 4 लीटर पेट्रोल चाहिए सर, और अगर 4 लीटर पेट्रोल में एक टाइम में इस्तेमाल करता हूँ सर, तो पंजाबी गल करें सर, इस रहे कि आज मिसाल तौर पर अगर ये पोजीशन रहती सर, हर तीसरे दिन में मतलब है कि अगर जमीन पानी पिलाना पैसी, तो फिर मतलब है इसने उसी के मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक 4 लीटर पेट्रोल, और उसकी कीमत में अगर परसन, तो सर अगर असा सारे जिम्मेदारों से सोलर रिलीफ दीती होंगे सर जी, सब तो दुई जी सर गल कि एग्रीकल्चर आस्ते जिड़िया दो अद्वियात ने सर, दवाइयां जिड़िया ने, उसने सर दो मतलब है कि फैट होने, एक तो ये सर कि वो असली तो नकली भी ज्यादातर नुकसान है सर। मिसाल के तौर पर अगर मैं 1500-2000 की कोई दवाई इस्तेमाल करना, ये जरा तुम नोट करो, ये जो है ना नकली दवाई है, इसके ऊपर पूरा क्रैक डाउन करना पड़ेगा सर। अगर बिल्कुल कह रहे हैं नकली ज्यादा, खान साहब अगर मैं 2000 की दवाई लेके आना ते अपने फसल ते स्प्रे करना, ते 2000 की दवाई 200 का काम भी नहीं करती। अगर आज अल्लाह करे बारिश होवे जी, ते सारे मेरे भरा इतने बैठे हुए जी, असर ने पूरे इलाके खाद नहीं लगनी जी, फिर यूरिया या फिर अगर आज उस रेट है, अगर उस रेट है 2200-2600 रुपए, अगर बारिश हो गई जी तो खुद बहुत 2800-3000 का रेट चला जा सकता। खाद छाट कर छोड़ने की कौन नोट कर रही है, आप प्लीज आप अहमद नोट करते हैं सर जी। खाद एक हो गई नहीं, बीज आ गए जी चौथे नंबर पे बीज जी। मैं 12000 का एक पत्ता टमाटर का बीज, मतलब बीज काश की थे जी, छोटी जगह थोड़ी जी जगह थे, तकरीबन 4-5 इतनी जगह थे, 12000 का एक पत्ता, ते वो एक आधा एकड़ यानी 4 कनाल जमीन उदे नाल मेरी काश्त होनी है जी। वो जब काश्त होनी तो उदे मैं मतलब तैयार होनी, तो कम से कम उस 4 कनाल ते मेरे 50000 रुपए खर्च होने सर। ते ऊपर टमाटर अगर इस तरह 20 रुपए किलो जासन जी, ते फिर किसान में नेक्स्ट टाइम ते 20 भी नहीं, बात उस तो भी सस्ते साडे कोल सोलर पे सब्सिडी चाहिए। सोलर, एक तो सोलर हो गया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से जो आप पे ये जो आप जिस कीमत पे ये आप बेच रहे हो जी सर, और जिस कीमत पे शहर में बिक रही है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है, लेने वाला ही नहीं जी, मंडी वाले फायदा उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि बीच में इतना ज्यादा बीच में कोई पैसा बना रहा है, मैंने तो ये कर रहे हो, मैंने तो आप कर रहे हो, सो हम इसके ऊपर भी हमने वो पूरा हमने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है इसके लिए। जिसको हवा से खोकर 4x4 का वो पैसे कमा रहा है सर। ये सब्जियां अगर इम्पोर्ट ना हो ना, तो हमारा जो है ना फिर ये आमदन जायद हो सकती है। नहीं, असल में जो मुझे समझ आई है ना, जो हमने देखा कि जो किसान जिस चीज को बेचता है और जो शहर में चीज बिकती है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है सर। तो वो जो अगर हम मदद करके हुकूमत किसान को हम ज्यादा पैसा दिलवा दें और शहर में कम कर दें, अगर हम वो बीच में वो जो बीच में पैसा अगर उसमें और उसी के ऊपर हम लगे हुए हैं ना, हमारी कोशिश यही है स्टोरेज फैसिलिटी, उससे भी इनको मदद। हाँ, और स्टोरेज भी हो जाए तो वो भी ठीक उसी सर जी मदद मिल सी ना, तो मिसाल का साडा खर्चा थोड़ा जी डिस्काउंट हो जाए, पेट्रोल ना खर्चा कट सी थोड़ा जी। नहीं नहीं बस नहीं अच्छा है ना, मतलब तो फिर इस तरह जी पेट्रोल ना खर्चा कम हो जासी,
अगर बीज ने बारे पेट्रोल तो हमने बढ़ने नहीं दिया इस बार की कीमत नहीं सर लेकिन अगर मैं दूसरी गल करना सर अगर शराब में एक एकड़ जमीन शराब करता है महंगा पड़ता है ट्यूबवेल के लिए सर कह रहा हूँ अगर सोलर नहीं ये सोलर अगला रास्ता ही सोलर का सोलर की अब सस्ती होती जा रही है सोलर की बिजली वो बल्कि इससे अब बहुत सस्ती हो गई है सोलर ही करेंगे वो एक दफा लग गया उसके बाद तो आपको फिक्र गई ना सर बीज ही हो जाए ट्यूबवेल लगाने में मैं सोच रहा हूँ इसमें हम वो भी लंबा कर्जा भी दे सकते हैं ताकि आराम आराम से किस्तें भी देते रहो आजकल तो सोलर बड़ी सस्ती हो गई बहुत सस्ती और सस्ती होती जा रही है बीज ने बारे सारे के मिसाल तौर पे अगर दो साल पहले बीज अगर जड़ी चीज बीज 5,000 थे आज 12,000 थे क्यों जी एक्सपोर्ट हो रही है बाहर से एक्सपोर्ट हो रही है जी और डॉलर ये है और वो है दासा वास्ते तो सर जी वो मतलब मसला किसान वासी सारा मसला बह गया समझिए सारी चीज बीज थे और खाद मतलब सोलर सारे अगर चार चीजें वैसे फर्क पड़ जाएगा अभी आपको थोड़ी देर में जो अब हम चीजें लेके आ रहे हैं ना इसमें पूरा काम हो रहा है क्योंकि इस पर ही हमने ये महंगाई जो आई है खाने पीने की चीजों में हमने जब देखा तो जो किसान बेचारों के पास उनको पैसा नहीं मिल रहा और बीच में शहर वाले शोर मचा रहे हैं महंगे हो गए और किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा है वो मिडमैन को मार रहा है आप मैं इसे करता हूं किसी सब्जी का अगर पूछ रहे ना ये मार्केट है साथ हजरो नजदीक शहर है नहीं ये हमारी जिम्मेदारी है अब हमने ये करना है आप 15/9/2096 में नरतो पर टूल टैक्स में आए थे मेरे पास आपकी तस्वीर है मैं हर रोज उसका तस्वीर किधर जी नरतो पर जी ममरे खान के पास हां नरतो पर टूल टैक्स ओके ओके जी